यार झंडे वाला हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। और देखो यार कितनी ज्यादा भीड़ है यार, रोड की साइड है यार, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। ऊपर ही मेट्रो स्टेशन है, नीचे यार आए हम मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आए। और कितनी बड़ी मूर्ति है यार, एक गदा दिख रहा है भगवान जी का, हनुमान जी का मोला दिख रहा है। और नीचे देख लो यार, ये गुफा किस चीज़ की आपको बता देता हूँ यार, श्री माता वैष्णो देवी की प्रसिद्ध गुफा है यार। बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है गाइस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी आपको बता दूं यार, नवादा में ही हूँ यार। अभी हम यार दिल्ली में नए नए आए ना, सो कुछ यार लोकेशन वगैरह का कुछ पता नहीं है एक्चुअली। और सुबह का टाइम क्या हुआ है आपको दिखा देता हूँ यार, 12:02 अप्रोक्सीमेटली यार, 12 बजे सुबह सुबह ना दो के एकदम से रेडी नहीं हुआ हूँ यार बिल्कुल भी। क्योंकि आपको बता दूं यार, कल और परसों के दिन हम कहाँ गए थे भाई, जूम में गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं होप करता हूँ यार व्लॉग पार्ट वन और व्लॉग पार्ट टू आपने जू का बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और अभी कहूँ ना भाई, नवादा की मार्केट में वो देख लो यार, एकदम सारी की सारी जगह भीड़ भीड़ है। और यहाँ पे गाय माता भी है, जय गौ माता। और यहाँ पे आपको बता दूं यार, सीन क्या है ना यार, कितने दिन हो गए यार शेव वगैरह और हेयर ट्रिम नहीं करवाए थे, क्योंकि यार गुहाना आना जाना हुआ ही नहीं। सो यहीं ढूंढ रहे हैं यार मार्केट में कोई शॉप मिल जाए, अच्छे से यार ट्रिम विम करा लें यार, शेव भी करा लें एंड साथ के साथ भाई हेयर ट्रिम भी करा लें। और देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या है ना भाई, सारी की सारी क्या है भाई, मार्केट तो है ही, सारी ग्रोसरी का सामान है एंड सारा स्टेशनरी वाला सामान है। आगे की साइड हमें सैलून मिल जाएगा, सो कटिंग वटिंग करा लेंगे। 40 मिनट से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, घूम रहा हूँ यार नवादा के रोड्स पे। बट गाइस अभी अपने को यार सैलून मिल गया भाई, ड्रीम सैलून। अंदर चलते हैं यार, भैया से बातचीत करते हैं भाई, कटिंग वटिंग होगी, शेव होगी नहीं होगी यार। और भैया यहीं पे यार मिलवा देता हूँ। हाँ जी भैया, हेलो कर दो व्लॉग में। एकदम बढ़िया कटिंग एंड सब कुछ, बियर्ड वगैरह सेट हो जाएगी। फाइनली गाइस यार अभी का टाइम क्या हो रहा है आपको दिखा देता हूँ यार, 3:07 एंड आप लोग भी सोच रहे हो भाई कहाँ ही गायब हो गया था, कहीं गायब नहीं होता एक्चुअली, आपको बता दूं यार टाइम वाइम इतना ज़्यादा लग गया भाई शेव वेव कराने में एंड साथ में कटिंग कराने में। और होप करता हूँ गाइस आपका लुक आपको बहुत ज़्यादा सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और ये कुछ आउटफिट डाली है। और आज कहाँ जा रहे हैं भाई, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं यार झंडे वाले मंदिर को। और यहाँ से मेरे हिसाब से कहाँ से ना आपको दिखा देता हूँ यार, द्वारका मोड़ आया था मैं। पहले हमेशा यार नवादा मेट्रो स्टेशन जाते हैं, लेकिन यार आज तो ऑटो यार बाय द वे सीधा यहीं आ रहा था द्वारका मोड़ पे, जो कि यार ब्लू लाइन पे ही है। सो यहाँ से सीधा जाना यार करोल बाग की तरफ एंड रास्ते में आएगा भाई झंडे वाला। और मेरे हिसाब से 1 घंटे का रास्ता है, सो वी गोना यार ट्राई आउट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले। और वहाँ पे बताऊँ यार क्यों जा रहा हूँ यार, वहाँ पे ना हनुमान जी की यार 108 फुट की मूर्ति है एक्चुअली, जेन्युइनली गाइस। सो वहाँ जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, प्रसाद भी लाएंगे घर के लिए भी, सभी के लिए लाएंगे। और हम भी यार वहाँ पे ना जो भी मनोकामना अपनी रखेंगे आराम से, जो भी भाई आशीर्वाद भी लेके आएंगे हनुमान जी का। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको यार, साथ के साथ एक इंसिडेंट भी है जो कि मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है। क्या है ना आपको बता देता हूँ यार, मैं जब बॉर्न हुआ था भाई, मैं ट्यूसडे के दिन बॉर्न हुआ था, सो इसलिए यार हनुमान जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है मुझे। और कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना, सो मुझे यार कोई भी मंदिर दिखे हनुमान जी का तो मेरा वहीं जाने का मन करता है। और सामने एक साइड भाई चेक पॉइंट भी है, सो कैमरा ऑफ करता हूँ, अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ भाई सीन क्या है। सो फाइनली बॉयज यार अपना झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पहुंच ही चुके हैं। और फाइनली कहाँ से आए थे भाई, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से आए थे और फाइनली पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से 1 घंटे का टाइम लगा है एंड नीचे मेरे हिसाब से यार मंदिर होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा दूर, मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर दूर। सो देखते हैं यार कैसे जाएंगे, बाई वॉक भी चले जाएंगे। पहले क्या होता था ना गाइस यार, अपना यार इस बंदे से पूछा मेट्रो स्टेशन ये कहाँ से कनेक्ट करने के लिए, और देख लो यार ये लाइन सारी की सारी मेट्रोज की। और ऐसे क्या होता था भाई, मतलब ट्रैवल करते ही रहे हैं भाई 2-3 दिन पहले, तो भाई इस बंदे से पूछ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हैप्पी म्यूचुअल हो चुके हैं भाई आने के, यहाँ पे अपने को कोई दिक्कत होती नहीं है। देख लो यार एक और मेट्रो आ गई है भाई, वैसे चलते हैं मंदिर की और, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, देखते हैं क्या ही सीन है। और आज ना मम्मी है ना भाई अपने साथ और ना ही पापा है, सो वन मैन आर्मी एकदम अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो देखते हैं वहाँ जाके क्या कुछ विशेषता है। और फाइनली झंडे वाला पहुँच चुके हैं, सो चलते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें फेमस भी हैं वहाँ की, प्रसाद लेते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो फाइनली गाइस यार झंडे वाला हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं। और देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है यार, रोड की साइड है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। ऊपर ही मेट्रो स्टेशन है, नीचे यार आए हम मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर यार पैदल चल के आए हूँ, जैसा भगवान को मंजूर था यार 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं। और कितनी बड़ी मूर्ति है यार, एक गदा दिख रहा है भगवान जी का, हनुमान जी का मोला दिख रहा है। और नीचे देख लो यार ये गुफा किस चीज़ की आपको बता देता हूँ यार, श्री माता वैष्णो देवी की प्रसिद्ध गुफा है यार। बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है गाइस। आप उससे पहले बता दूँ यार यहाँ पे अपने शूज़ भी सबमिट करा दिए भाई, शूज़ के स्टॉल पे यहाँ पे शूज़ अपने सबमिट करा दिए यार, वो पड़े यार सामने भैया के पीछे
यहाँ पे प्रसाद वगैरह सारी चीजें मिल रही है यार। प्रसाद कितने का भाई? प्रसाद 51 का है, 101 का और बड़े। भाई 51 का भी मिल रहा है प्रसाद, 101 का भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं यार। भैया 51 का कर दो। गाइस फाइनली यार प्रसाद भी ले लिया हनुमान मंदिर के लिए, और देख लो यार श्री सिद्ध हनुमान मंदिर यार 108 फुट की श्री संकट मोचन धाम की यार मूर्ति कितनी बड़ी है ना यार, बहुत ज्यादा सही लग रही है। अंदर की तरफ चलता हूँ और आपको डिफाइन करता हूँ यार। एक हाथ में यार ब्लॉगिंग के लिए सेटअप अपना, और दूसरी साइड में क्या है भाई सारा का सारा प्रसाद है, सो आराम से चलना पड़ेगा ना। और देख लो यार ये कितना बड़ा स्टैचू है यार हनुमान भगवान जी के पैरों में, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ यार सुरसा राक्षसनी है। और ये बीच में आई थी ना भाई, कहाँ पे बीच में आई थी? जब हनुमान जी जा रहे थे यार संजीवनी बूटी लेने के लिए, जब लक्ष्मण जी यार घायल हुए थे उनको बांध लगा था ना, सो इसलिए अंदर चलते हैं यार। कितना सही लग रहा है गाइस राक्षसनी के यार मुंह में से जा रहे हैं, एंड देख लो यार कैसा ही लग रहा है सीन, एकदम सही लग रहा है यार। फाइनली गाइस यार मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और सामने की साइड यार इतनी ज्यादा बढ़िया ना गोल्डन कलर की एकदम मूर्ति दिखा दूं यार हनुमान भगवान जी की, एकदम सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा प्राचीन है, अच्छी लग रही है। तो गाइस आपको एक और चीज बता दूं यार, पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई एकदम सिंपल सा था मंदिर, बट गाइस यार सिंपल था तब भी बहुत ज्यादा कहते हैं भाई मान्यता थी, और अभी कह रहे हैं भैया अभी की साइड ही मतलब अभी के टाइम ही गोल्डन वर्क की है। और लुक दिस थिंग, और देख लो यहाँ पे देखो यार इस साइड देखो यार, और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर रखा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, एकदम कह रहे हैं ना भाई दिल से कनेक्ट होता है हनुमान भगवान जी का मंदिर। और बताओ आप कुछ बताना चाहोगे भैया जी इस मंदिर के बारे में? सर इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा मंदिर, वो बड़ा मंदिर है, काफी मेन जगह है, इससे बड़ा मंदिर शायद कोई होगा। 108 फुट मूर्ति है इसकी लंबाई जो लेंथ है, 108 फुट की यार मूर्ति है, मैंने आपको पहले बता दिया भाई। बाहर की साइड हनुमान भगवान जी का स्ट्रक्चर है करोल बाग से, एंड पूरी यार दिल्ली से दिखता है ना भैया वो, मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली से दिखता है, एंड बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रसिद्ध है। फाइनली यार यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है यार, जो चलता ही रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अंदर पंडित जी बैठे हैं रामायण का पाठ कर रहे हैं, सो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, आप भी यार थोड़ा मत्था टेक लो यहाँ पे और आशीर्वाद ले लो पंडित जी का, बहुत ज्यादा सही लग रहा है गाइस। और उस साइड की तरफ आपको दिखाता हूँ भाई गुफा भी है, एंड बहुत सारे लोग आए हुए हैं यार, पहले भी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, फिर यार सारे के सारे लोग यार प्रसाद ले रहे हैं अपने घर, होपफुली मिल गया प्रसाद, सो आगे की तरफ चलता हूँ यार। और क्लीनजिंग भी चल रही है यार मंदिर की, देख लो यार धुला जा रहा है, मतलब धुआं जा रहा है, बहुत सही लग रहा है यार हो रहे हैं मंदिर को। सो नीचे की तरफ चलता हूँ यार, पंडित जी कह रहे हैं भाई कोई गुफा है तो उसको। और नीचे देखो यार यहाँ पे क्रोकोडाइल भी बनाए हुए हैं गाइस, मेरे हिसाब से कैमरे में कैप्चर हो ही रहा होगा यार। और नीचे आपको बताना चाहता हूँ ये कुआं है यार, ये एक कुआं है यार जो कि मतलब जिसमें ना यार अपने आप से पानी जनरेट होता है खुद के खुद यार, कोई नहीं करता यार, अपने आप से आता है भाई बारिश वाले मौसम में, और अभी भी यार कि भाई खत्म भी नहीं कराया जा सकता, सो यही है यार मंदिर की विशेषता, सो इसलिए यहाँ पे आए थे और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, और इसलिए नहीं भाई भगवान जी के आशीर्वाद के लिए आए थे जो कि ले लिया यार। आगे साइड भी कुछ है यार, और देख लो यार गुफा कैसे बनाई हुई है यार, एकदम सारा डार्क ही डार्क है यार, अंदर सांप के मुंह में से मैं यहाँ आया हूँ यार, ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता ना गाइस, क्योंकि देख लो यार यहाँ सारे के सारे पत्थर है, अगर ऊपर खड़ा हुआ ना सीधा सिर में सीधा, और देख लो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। अंदर की तरफ चलते हैं भाई, गुफा भी है छोटी सी पवित्र गुफा, आपको दिखा दूं यार गुफा का रास्ता, सो अंदर चलते हैं और आपको दिखा दूं भाई सीन क्या है। सो गाइस फाइनली यार गुफा के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे पंडित जी भी हैं, और पंडित जी से कुछ पूछते हैं यार, एक थोड़ी सी मतलब एक दो लाइन पूछते हैं, ये प्रसिद्ध मंदिर किस लिए बना, किस उपलक्ष्य में बना? पंडित जी नमस्ते, कैसे हो पंडित जी? एकदम बढ़िया, क्या प्रसिद्ध मंदिर के पीछे बनने का रीजन क्या था कुछ बताओगे हमें? पहले ये सारा अरावली का पहाड़ी माना जाता था, अरावली हिल्स थी, इसके पीछे अभी भी जंगल है, जंगल भोली भटियारी के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो यहाँ के मंदिर के जो पहले संत थे, इससे कई लोग और संत जा चुके हैं यहाँ पे। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा पंडित जी, आप उन्हीं संत के बारे में बात करना चाह रहे हो ना, बद्रीदास के बारे में मेरे हिसाब से? नहीं नहीं, मैं नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। अच्छा जी, क्योंकि वो आकर के यहाँ पे तप किया, ऊपर धोना भी है जो अपना जलता रहता है,
और एक कुआं भी है जिससे पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। कुएं के पानी से पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। हनुमान जी की जो मूर्ति है, हाँ जी, यहाँ आपने पहले दर्शन किया होगा, वो स्वयंभू है। बाबा जी को इसी पहाड़ी में मिली थी। अच्छा, वो मूर्ति दबी हुई मिली थी? दबी हुई, फेस कट सही था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको सही करते हुए, हाँ जी, प्रत्यक्ष रूप में लाया गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में बाबा जी को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिया। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि हमारी एक बड़ी मूर्ति होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। सो उसी कारण ये सारी की सारी रीजनरेट कर दी, दोबारा अच्छे से डिजाइन कर दी। सो गाइस आपको बता दूं, ये नेचुरल तरीके से यार मूर्ति नीचे मिली गई थी यार, और उन्होंने तप किया, उन्हें पता लग गया यार ऐसे ऐसे मूर्ति है, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं ऐसे हुआ था ना पंडित जी। सो पीछे की साइड यार बहुत सारे कह रहे हैं पंडित जी यार जंगल अभी भी है ना पंडित जी जंगल, और देख लो यार कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और मेरे हिसाब से यही वो संत है, मेरे हिसाब से पंडित जी वो संत है। बाबा जी देख लो यार, आप भी मत्था टेक लो यार, आशीर्वाद ले लो यार दूर से। और जय माँ वैष्णो देवी एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे लिख देना यार, जो कि मानते हैं और नहीं मानते हैं वो भी लिख देना, जरूर लिख देना है। और पंडित जी कह रहे हैं भाई जिसकी भी मनोकामना अधूरी है वो पूरी हो सकती है। सो पंडित जी मुझे भी आशीर्वाद दो, हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं लाइफ में और मेरे हिसाब से शायद पूरे हो जाए। बिल्कुल पूरे होंगे, आशीर्वाद पंडित जी। गाइस फाइनली मंदिर से जाने का टाइम हो गया था, देख लो टाइम कितना हो रहा है यार, 5 बज चुकी है भाई, बारिश भी आ रही है। और मैंने क्या सोचा ना भाई, जहाँ भी जा रहे हो आप, चाहे हनुमान मंदिर में जा रहे हो चाहे कोई भी मंदिर में जा रहे हो, सो निशानी आपके साथ होनी चाहिए। सो ये ले लिया हमने यार, लोकेट ले लिया अच्छा सा, शूज कलेक्ट करते हैं, सीधा चलते हैं यार घर पे। और मेरे को लगता है यार आप सबको यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा यार मंदिर में विजिट आउट करा के, मैंने वीडियो बना के आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा भाई ब्लॉग देख के। और देख लिया यार इस स्टॉल से कुछ हमने लिया भाई, बहुत सारे लोकेट्स हैं, वेरियस लोकेट्स हैं यार, और मैंने ले लिए लोकेट, बहुत ज़्यादा सही लग रहे हैं। आप सीधा चलते हैं यार घर पे। और प्लीज़ जिसने यार अभी भी इस व्लॉग को यार एंड तक देखा है, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। और यहाँ से अपना घर मेरी सबसे 1 घंटे का रास्ता है, एंड घर पे यार मेरी सबसे पापा मम्मी भाई सब आ चुके हैं। सो होप करता हूँ गाइस आज वाले व्लॉग आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।